सिंथ जनरल नॉलेज पार्ट टू म्यूनिसिपल ऑफिसर टाउन ऑफिसर एसपीएससी टेस्ट। आज हम जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की हर टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना वो सिंध के हवाले से होते हैं, सिंध जनरल नॉलेज जिसे हम बोलते हैं। तो सिंध जनरल नॉलेज के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड मतलब एसपीएससी की टेस्टों में कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ हमने नए क्वेश्चन बनाए हैं, अब वो डिस्कस करेंगे जो 2 से 3 क्वेश्चंस हर टेस्ट में जरूर एसपीसी की टेस्ट में होते हैं। जो म्यूनिसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर की टेस्ट होंगी तो उनमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस जो है ना जनरल नॉलेज के जरूरी एसपीसी जो वाले जो है वो देंगे। तो वो क्वेश्चन जो है ना हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। काइंडली इन क्वेश्चन को जो है ना मैं ये वीडियोज जो है ना इन वीडियोज को रिकॉर्डिंग जो ना करने का जो मेरा मेन मकसद होता है कि अगर आप मैं ये वीडियोज दे दूँ और वीडियोज में जो है ना पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूं और सेकंड्स में जो ना वो चलती जाए वीडियो चलती जाए, तो वो मैं नहीं करता सिर्फ इस वजह से और खुद मैं जो ना यहाँ पे कम्युनिकेशन करता हूँ कि ताकि जैसे आप वीडियो देखें तो वीडियो देखने के साथ साथ आप जो ना वो क्वेश्चंस को जो ना वो आप सुनते भी जाए, आंसर्स भी सुनते जाए। इससे ये क्योंकि आपके जो ना दो सेंस जो ना वो यूज होंगे और इसमें जो नॉलेज पावर है ना वो ज्यादा जो ना रिटेन होगा। तो इसी हवाले से मैं जो ना ये खुद भी जो ना ये प्रोनाउंस करता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। द स्मॉल टाउन इन सिंध केती बंदर इज फेमस फॉर ए हिस्टोरिकल साइट, बी गैस एंड ऑयल, सी फिश एंड हार्बर, डी ए एन सी। द राइट आंसर इज डी ए एन सी। ए क्या है? हिस्टोरिकल साइट एंड सी फिश एंड हार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंबाइंड टॉम्ब ऑफ शशि पुनू इज ए कंबाइंड शशि और पुनू की जो मजार है ना वो दोनों के साथ में जो ना बनी हुई है। ऑप्शन ए बंबोर, बी छत्ता, सी उमरकोट, डी लसबिला बलोचिस्तान। जी शशि पुनू अक्सर जो ना ये लोग जिसमें जो ना वो गलत कर जाते हैं क्वेश्चन कि भाई शशि पुनू जो ना वो सिंध की स्टोरी है और अब याद जेन में नहीं आ रहा तो बंबोर पुराना शहर है, बंबोर में ही होगी, वो बंबोर पे कर देते हैं, वो गलत हो जाता है आंसर। तो राइट आंसर इज वो डी ऑप्शन डी है, लसबिला बलोचिस्तान। लसबिला बलोचिस्तान में शशि पुनू की मजार है। क्वेश्चन नंबर 3। द श्राइन ऑफ हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई इज लोकेटेड इन ऑप्शन ए टंडो मोहम्मद खान, ऑप्शन बी मटियारी, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी नन्ना फबो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मटियारी। अच्छा अब्दुल लतीफ भिटाई की जो मजार है वो मटियारी में, भिक्षा जो ना भिक्षा मटियारी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये एसपीएससी केस में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। द टॉम्ब ऑफ शाह इनायत शहीद इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए खुदाबाद, ऑप्शन बी नसरपुर, ऑप्शन सी जोग शरीफ, ऑप्शन बी उमरपुर। द राइट आंसर इज सी जोग शरीफ। क्वेश्चन नंबर 5। आमरी जुदड़ो इज लोकेटेड इन सकरन नवाबशाह लाकाना सेवन शरीफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेवन शरीफ। आमरी जुदड़ो जो सेवन शरीफ में आए। क्वेश्चन नंबर 6। शाहजी टकरी टॉम्ब ऑफ आदम शाह कलोड़ो इज एट खुदाबाद दादू किला हैदराबाद उमरकोट आर डी ऑप्शन सखर। शाहजी टकरी टॉम्ब ऑफ शाह टॉम्ब ऑफ आदम शाह कलोड़ो सखर में मौजूद है, सखर में आए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वतायो फकीर इज बरी डेट, वतायो फकीर हर के खबर असन जो तमाम फेमस पर्सनैलिटी आए रही चुका है, वतायो फकीर मजार हुआ टंडो अल्लाह यार में आए, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। हु बिल्ट द श्राइन ऑफ हजरत सचल सरमस्त दराजा शरीफ, ऑप्शन ए यार मोहम्मद कलोड़ो, ऑप्शन बी मियां गुलाम शाह कलोड़ो, ऑप्शन सी मीर सोहराब खान तालपुर, ऑप्शन डी मीर रुस्तम खान तालपुर। द राइट आंसर इज मीर रुस्तम खान तालपुर। जी मीर रुस्तम खान तालपुर भैया जन सचल सरमस्त जी मजार ठहराई। क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच लेक इज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स, इट्स हालेजी लेक, सैफुल मलुक गिलगित बल्तिस्तान में, काकान वैली या किंजर, काकान जो नहीं है केपीटी में, बाकी किंजर जो का छठे में आए, पर हालेजी लेक भी छठे में आए, पर हालेजी लेक जो राइट आंसर आ पैराडाइज ऑफ बर्ड्स हालेजी लेक के करीब आए। क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच इज साल्टी लेक इन सिंध, करार लेक, दलियार लेक, सारन लेक, ड्रिक लेक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सारन लेक। क्वेश्चन नंबर 11। सिंध मुझे साह में इज रिटन बाय, सिंध मुझे साह में किताब लिखल आए, किताब की जो लिखल आ, ऑप्शन ए जी एम सैयद, ऑप्शन बी रसूल बख्श अली जो, ऑप्शन सी अमर जलील साहब, ऑप्शन डी हमीदा खोड़ो। द राइट आंसर इज अमर जलील साहब, सिंध मुझे साह में अमर जलील साहब लिखो है किताब। क्वेश्चन नंबर 12। व्हिच सिटी ऑफ सिंध इज फेमस फॉर पलो फिश, पलो जो मच्छी जो किस्म आए पलो
पूछा गया तो पल्लो जो का वो काथम जो मशहूर है वो ऑप्शन बी जो जाम शोरो जो पल्लो जो मशहूर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 द न्यू नेम ऑफ जतोई परगानो इट्स ऑप्शन ए शिकारपुर जी शिकारपुर जो जो पुरानो नालो हुयो वो जतोई परगानो नालो शिकारपुर जो जतोई परगानो पहिरियों नालो हुयो हाणे शिकारपुर नालो आहे। क्वेश्चन नंबर 14 द ओरिजिनल नेम ऑफ मिर्ज़ा कलीज बेग शम्सुल उलमा वाज ऑप्शन ए सिकंदर मिर्ज़ा ऑप्शन डी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ऑप्शन सी मुबारक हुसैन ऑप्शन डी नन्ना फबू द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जी शम्सुल उलमा टाइटल है मिर्ज़ा कलीज बेग जो मिर्ज़ा कलीज बेग जो असल जो नालो है ओरिजिनल वो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 हु इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ सिंध शाह अब्दुल लतीफ भिटाई शेख अयाज मिर्ज़ा कलीज बेग या डॉक्टर नबी बख्श बलोच द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मिर्ज़ा कलीज बेग बिल्कुल शेक्सपियर ऑफ सिंध अभी मिर्ज़ा कलीज बेग के सॾियो वेंदो आहे ऐं उनखां अलावा अॻु में जेको असां पढ़ियोसीं त शम्सुल उलमा बि मिर्ज़ा कलीज बेग जो ई टाइटल आहे। क्वेश्चन नंबर 16 लेकल लोकल लैंग्वेज ऑफ सिटी उमरकोट इज देश विच इज़ वन ऑफ द राजस्थानी लैंग्वेज ऑफ द इंडो आर्यन फैमिली सिंधी मराठी धकती धतकी धतकी या उर्दू द राइट आंसर इज ऑप्शन सी धतकी जेका उमरकोट जिंदाबाद उमरकोट वारो धतकी लैंग्वेज जेका आहे लोकल लैंग्वेज जेको तव्हां यूज़ कंदा उमरकोट में उहा असुल में राजस्थानी ॿोली आहे जेका इंडो आर्यन जी दौर में खां वठी इहा हले पई धतकी लोकल लैंग्वेज आहे उमरकोट जी। क्वेश्चन 17 सुल्तान ऑफ सिंध इज टाइटल ऑफ ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन बी मियां गुलाम शाह गलोड़ो ऑप्शन सी जाम उनर बिन बाबीना ऑप्शन बी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई राइट आंसर इज सुल्तान ऑफ सिंध कंहिंजो टाइटल हुयो सुल्तान ऑफ सिंध टाइटल आहे जाम उनर बिन बाबीना जो टाइटल आहे सुल्तान ऑफ सिंध। ओके क्वेश्चन नंबर 18 जिनाह बाग लोकेटेड इन लारकाना सिंध इट्स ओल्ड नेम वाज लाकण में अजना बाग आहे उनजो पुराणो नालो पुछा करियो त जिना बाग जो पुराणो नालो कहिड़ो हुयो जिना बाग जो पुराणो नालो ऑप्शन बी जेको आहे तजर बाग राइट आंसर आहे जिना बाग जेको लाकण में आहे उनजो पुराणो नालो तजर बाग हुयो ऐं हिते ऑप्शन्स में जेके ॿिया लिखियल आहिनि जीअं रानी बाग हैदराबाद में आहे ऐं रानी बाग जो जेको पुराणो नालो हो उदास गार्डन हुयो उनखां अलावा जेको ऑप्शन सी में ज्ञान बाग आहे ज्ञान बाग उनजो जेको नओं नालो हिन टाइम ज़ुल्फ़िकार बाग आहे ऐं उन खां पोइ ऑप्शन डी जेको लारकाना बाग आहियो ई न इहे हथ जो ठहियलु ऑप्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 19 द स्टेचू ऑफ फेमस डांसिंग गर्ल वॉज फाउंड इन द मोहनजोदारो ऑप्शन ए संबारा ऐं संबारा ई गोल थियलु आहे त वधीक ऑप्शन मां पढ़ा ई कोन थो जेको हिन में डांसिंग गर्ल जी जेका फिगर लधी वई हुई मोहनजोदारो मां उनजो जेको नालो हुयो उहो संबारा आहे। क्वेश्चन नंबर 20 रनीकोट फोर्ट इज कंसीडर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोर्ट इज इन इट्स जाम शोरो डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सन शहर जे भरिसां आहे हिनमें जाम शोरो ज़िले में रनीकोट फोर्ट जो दुनिया जो तमामु क़दीम तमामु पुराणो बि ऐं प्लस में लार्जेस्ट फोर्ट आहे। क्वेश्चन नंबर 21 हमल लेक इज लोकेटेड इन थट्टा सांगर दादू या ऑप्शन डी कंबर शहदादपुर राइट आंसर इज ऑप्शन डी कंबर शहदादपुर ही एस पी एस सी जे पास पेपर्स में भी मौजूद आहे। क्वेश्चन नंबर 22 हू एवर द फर्स्ट चीफ कमिश्नर एंड गवर्नर ऑफ सिंध इन ब्रिटिश पीरियड ऑप्शन बी चार्ल्स नेपियर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 द होली कुरान वॉज ट्रांसलेटेड फर्स्ट इन विच लैंग्वेज इट्स ऑप्शन सी सिंधी लैंग्वेज ही बी एस पी एस सी जी पुराणनि टेस्टनि में मौजूदु आहे पास पेपर्स मां खयों असां त जेको क़ुरान मजीद सभ खां पहिरियां जेको ट्रांसलेट थियो उहो सिंधी ॿोली में ट्रांसलेट थियो। क्वेश्चन नंबर 24 लैंसडाउन ब्रिज रोहड़ी वॉज मेड इन 1889 द डिज़ाइनर वॉज कैंटी लीवर ट्रूज लैंसडाउन ब्रिज जेका रोहड़ी वारी जेका हिन में रोहड़ी वारी पुल जेका आहे हिन में सफ़र जो दरिया ते जेका लोही पुल बि असां रखे सघंदा आहियूं उहो कैंटीलीवर क्रूज जेका डिज़ाइन कई हुई ऐं इहा जेका ठही हुई 1899 में ठही हुई ऐं हितां जेको बि हुन में जेको असांजो हो जमालू जेको गानो सिंध में बि तमामु फेमस आहे मशहूरु आहे हर इवेंट ते असां ॻाईंदा आहियूं हो जमालू उहो बि हितां जो जॾहिं इहा लैंसडाउन ब्रिज रोहड़ी वारी जेका इहा
अजमा रोड गर्ज बि आहे ऐं प्लस में हुनजी ट्रेन जी गर्ज बि आहे। जेकर ट्रेन वारी गर्ज या लेस डाउन ब्रिज जॾहिं ठाही हुई ब्रिटिश वारनि, पोइ हुन खां जॾहिं ट्रायल बेसिस ते पर ट्रेन क्रॉस करणी हुई त कोई ड्राइवर तयारु कोन हुई, त मां ट्रेन क्रॉस करे आयां। उन टाइम जेको आहे न हिन में जमालो नाले हिकु बंदो जेको जेल में हुयो, पोइ हुते क़ैदियुनि खे चवनि थो बाबा जेको असांखे ट्रेन हितां क्रॉस करे ॾींदो उनखे पोइ असां सज़ा माफ़ु कंदासीं, भली उमिरि क़ैद हुजे या उनखे फांसी जी सज़ा हुजे असां ख़तमु कंदासीं। त पोइ जेको जमालो हुयो उन ॾिठो, हाणे उहे बि सॼी उमिरि जेल में गुज़ारियूं था, इन खां बहितर आहे जे होॾे ट्रेन क्रॉस थी वई त बची घर हले वेंदुमि, न त मौत कोई आहे। पोइ उन चयो त ठीकु आहे मां क्रॉस कंदुमि ट्रेन, ऐं पोइ उनखे ब्रिटिश वारनि ट्रेनिंग ॾिनी हुई ऐं पोइ उन उतां ट्रेन क्रॉस कई लेंसडाउन ब्रिज तां। जॾहिं उन ट्रेन क्रॉस करे छॾी त पोइ उनजी जेकी घरवारी हुई उन जो गादी चयो त हो जमालो मुंहिंजो खटी आयो खेर सां, हो जमालो जेको सखर वारी पुल ते रोड़ी वारी पुल ते, त पोइ उतां जो गादी गानो शुरू थियो। ओके हाउएवर द रोड़ी सिटी वॉज़ फाउंडेड बाय सैयद रुकनुद्दीन इन 1297। रोड़ी शहर तमामु क़दीम पुराणो शहर आहे ऐं सैयद रुकनुद्दीन जो हिन फाउंड कयो रोड़ी शहर खे 1297। क्वेश्चन नंबर 25, द इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न सिंध बुक इज रिटन बाय, ऑप्शन सी डॉक्टर इशरत हुसैन, एसपीएससी जो पास पेपर्स मां ई खयों आहे असां। इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न सिंध किताब जेको आहे डॉक्टर इशरत हुसैन लिखियो आहे। क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच सिटी ऑफ सिंध इज कॉल्ड पेरिस ऑफ सिंध, पेरिस ऑफ सिंध शिकारपुर जो टाइटल आहे या शिकारपुर खे सॾी नाऊं पेरिस ऑफ सिंध। क्वेश्चन नंबर 27, द हीरोज ऑफ सिंध किताब जो नालो आहे एंड स्ट्रगल फॉर न्यू सिंध ही बे किताब जो नालो आहे, आर रिटन बाय जेम सैयद। क्वेश्चन नंबर 28, द केस ऑफ सिंध बुक इज रिटन बाय जेम सैयद साहब, ए नेशन इन चेंज बुक इज रिटन बाय जेम सैयद। क्वेश्चन नंबर 30, दरावत डैम इज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, इट्स इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, जाम दरावत डैम जो है वो जामशोरी ज़िले में आई। क्वेश्चन नंबर 31, द हिस्टोरिकल सिटी मंसूरा इज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, इट्स सांगड़ नियर शहदादपुर स्टेशन, जेका शहदादपुर स्टेशन जे भरिसां सांगड़ में जेको आहे न मंसूरा शहर जेको आहे मौजूदा मंसूरा शहर हिस्टोरिकल प्लेस आहे ऐं राजा दाहिर जे दौर में मंसूरा शहर जेको आहे उहो कैपिटल हूंदो हो सिंध जो, उहो सांगड़ में आहे शहदादपुर स्टेशन जे भरिसां। क्वेश्चन नंबर 32, कोटड़ी बैराज हैज़ हाउ मेनी गेट्स, कोटड़ी बैराज जा 44 गेट्स आहिनि ऐं उन खां अलावा सखर बैराज में 64 दरवाज़ा आहिनि, बाक़ी जेका इन खां अञा ॿी जेका बैराज आहे उहा जेका टीं बैराज आहे सिंध में उनजो नालो बि ऐं उन में केतिरा बैराज दरवाज़ा आहिनि उहो असांखे कमेंट में तव्हां ॿुधाईंदो। क्वेश्चन सिंध इज़ सिचुएटेड इन ऑन इंडियन प्लेट, क्वेश्चन 2, इब्न हाकल बगदादी प्रिपेयर्ड फर्स्ट मैप ऑफ सिंध, तमामु इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आहे, अची सघे थो टेस्ट में, त फर्स्ट मैप ऑफ सिंध कंहिं प्रिपेयर कयो या कंहिं डिज़ाइन कयो, उहो इब्न हाकल बगदादी हुयो जिन प्रिपेयर कयो हुयो। ॿियो क्वेश्चन आहे, थर डेज़र्ट रैंक्स 9th ग्लोबली इन डिज़र्ट्स, दुनिया लेवल ते जो थर जेको डिज़र्ट आहे उहो 9 नंबर ते वॾो डिज़र्ट आहे। ॿियो क्वेश्चन आहे, सिंध हैज़ ए 310 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, सिंध खे 310 किलोमीटर जी कोस्ट लाइन आहे। इंडस रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम कैलाश माउंटेन्स, इंडस रिवर कैलाश माउंटेन्स खां स्टार्ट थिए थो। द एज ऑफ इंडस रिवर इज़ 6.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जेको असांजो सिंधु दरिया आहे, सिंधु दरिया जी उमिरि जे करे छॻी वञे टेस्ट में अची वञे थी, त उहो 6.5 मिलियन ईयर्स पुराणो आहे। क्वेश्चन, इंडस रिवर रैंक्स 21st लेंथ वाइज विद द लेंथ ऑफ 3180 किलोमीटर्स वर्ल्ड वाइड, दुनिया लेवल ते ॻाल्हि करे थो, दुनिया लेवल ते जेको असांजो सिंधु दरिया आहे उहो लेंथ जे हिसाब सां 21 वॾे में वॾो दरिया आहे ऐं उनजी जेका सिंधु दरिया जी लेंथ आहे उहा 3180 किलोमीटर आहे। ॿियो क्वेश्चन आहे, इंडस रिवर ड्राइड अप इन 1890 ड्यू टू ए मैसिव अर्थक्वेक, ही बहितरीन इंफॉर्मेशन मां तव्हां सां शेयर करे रहियो आहियां, इन खां पहिरियां तव्हांखे शायदि इहा ख़बर न हूंदी, जेको सिंधु दरिया आहे उहो 1819 में ठहियो हुयो, 1819 में हुनखे रस्तो मिलियो, छाजे करे कीअं ठहियो हुयो, उहो मैसिव अर्थक्वेक ज़िलज़िलो आयो हो, उन ज़िलज़िले खां पोइ सिंधु दरिया जो सिधो रस्तो ठही वियो ऐं उन खां बाद में उते पाणी शुरू थियो ऐं पोइ उहो अॼु उनखे असां सिंधु दरिया जे नाले सां इंडस रिवर जे नाले सां सुञाणियूं पिया। ओके, उन खां बाद में क्वेश्चन, सखर बैराज इज़ आल्सो नोन एज़ लोइड बैराज, सखर बैराज जो
पुराणो बियो नालो जो असा या पुराणो नालो जो लोइटे राजा है इट हैज 66 गेट्स और 6 दरवाजा ने के जो ऑलरेडी मैं तुम बतायो एंड 4725 फीट लॉन्ग क्वेश्चन है सखर बेराज वाज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड विलिंगटन ऑन 13 जनवरी 1932 तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन है कम जी इंफॉर्मेशन में शेयर कर रहे हैं सखर बेराज जगह लॉर्ड विलिंगटन जो का दिन जी इनॉग्रेशन कई हुई 13 जनवरी 1932 में अ कोटड़ी बेराज इज आल्सो नोन एज गुलाम मोहम्मद बेराज कोटड़ी नाल नेम्ड आफ्टर द आफ्टर देन गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल हुयो उन जो का इनॉग्रेशन कई हुई इन जी कोटड़ी बेराज जी तब इन जे करे इन जो बियो नालो कोटड़ी बेराज गुलाम मोहम्मद बेराज बिना के सडियो विंदो इट इज 2984 फीट लॉन्ग एंड स्टार्टेड इन 13 मार्च 1955 13 मार्च 1955 में जो का इन जो इफ्तिताह थियो इनॉग्रेशन कियो गुलाम मोहम्मद गवर्नर गुलाम मोहम्मद आए जो का 2984 किलो फीट जो का लॉन्ग आए उन बाद में अगुडू बेराज जी से गाल करना से इट इज लोकेटेड इन कश्मीर विद द लेंथ ऑफ 4445 फीट एंड 64 गेट्स जो अग में तक चो सवाल कम जवाब कमेंट में बुधा वो ऑलरेडी मैं ध्यान रखें बुधा छोड़ो तो जो टी बेराज सिंध में टोटल टे बेराज सखर बेराज कोटड़ी बेराज है गुडू बेराज उन टिन्हीं की इनॉग्रेशन लेंथ और उनमें केतरा गेट्स बुधा छोड़े गुरु बेराज वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 मार्च 1965 बाय प्रेसिडेंट अयूब खान ॾिसो आ जगह सखर बेराज जी लॉर्ड विलिंगटन उनके इनॉग्रेट कयो 1932 में उनखां बाद में गुलाम मोहम्मद बेराज कोटड़ी बेराज जेका 13 मार्च 1955 में गवर्नर गुलाम मोहम्मद इनॉग्रेट कयो उनखे ऐं जेको गुडू बेराज आहे उहा 1 मार्च 1965 में प्रेसिडेंट अयूब खान जो गॾु हुनखे इनॉग्रेट कयो देर आर टोटल ऑफ 3 बेराजेस इन सिंध 8 टोटल इन पाकिस्तान पहले बुधा तो सिंध में 3 बेराजेस आन टोटल पाकिस्तान में 8 बेराजेस मौजूद आन अगत हलूँ थीथर रेंज इज सिचुएटेड इन सिंध एंड सेपरेट सिंध फ्रॉम बलोचिस्तान थीथर रेंज जगह सिंध में मौजूद है थीथर रेंज जगह वह सिंध ए बलोचिस्तान के सेपरेट करें थीथर माउंटेन रेंज इज 315 किलोमीटर इन डिस्टेंस हिथर रेंज जगह है माउंटेन रेंज वा 315 किलोमीटर है नेक्स्ट सवाल लंदा से क्वेश्चन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिथर रेंज इज गोरख हिल स्टेशन इट 5688 फीट लोकेटेड नियर दादू ये दादू जो भरसा है आ गोरख हिल स्टेशन 5688 फुट जो का मथे है हाईएस्ट पॉइंट है हिथर रेंज जी उन के बाद जो तो है बदू हिल स्टेशन बदू हिल स्टेशन इज लोकेटेड नियर सेवन ही सेवन के भरसा जो बदू हिल स्टेशन है उन बाद में हाइट ऑफ बदू हिल स्टेशन इज 3000 फीट नेक्स्ट अस हलूँ पा कारूंजर माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन थरपारकर विथ ए लेंथ ऑफ 19 किलोमीटर कारूंजर माउंटेन जिन कारूंजर जबल थट्टे में थरपारकर में थर में उनकी लेंथ जगह है 19 किलोमीटर है होंदल शाह म्यूजियम होंदल शाह जन सिंधी लिटरेचर पढ़ो है या जो सिंधी लिटरेचर जो स्टूडेंट्स उनके खबर है तो होंदल शाह केर हुए उनकी शायरी भी उनको खबर है मां सिंधी लिटरेचर स्टूडेंट आया रही चुको आया तो मुझे खबर है होंदल शाह म्यूजियम जो वो किंजर लेक ठट्टे में है किंजर लेक लाइज नियर ठट्टा बींग सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान नेक्स्ट असा हलूँ पे अप्रोक्सीमेटली देर आर 1200 लेक्स इन सिंध 1200 डंडू हैं सिंध में मैंग्रोव्स फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन ठट्टा एंड कराची मैंग्रोव्स फॉरेस्ट जगह ना इनमें तां समुंड जी जो साइड से तां जेकर वेंदो पोते पोर्ट वाले साइड ते ना समुंड में तां ॾिसंदो त अंदर समुंड में तां वण नज़र ईंदा उन्हनि खे असां मैंग्रोव्स फॉरेस्ट चवंदा आहियूं कराची में बि आहे ऐं ठट्टे में बि आहे उमर है उमरकोट है न उनरकोट वाज बिल्ट बाय जाम उनर इन तालका गोलारची गोलारची जो उमरकोट जो आई थिंक तालको है गोलारची तालके में जो उनरकोट है वो उनरकोट जाम उनर जो सिंध जो बादशाह रही चुको है उनको ठहराया उन दलील कोट बिलोंग्स वाज मीर दलील तालपुर इनमें थोड़ी स्पेलिंग जो गलती है सही दलील कोट जो है वो असल में नवाब शाह में आए वो बिलोंग करे तो अमीर दलील टालपुर मीर दलील टालपुर जो ठहरा दलील कोट नवाब शाह में मौजूद है दलील कोट
नेक्स्ट चलूँ तो हैदराबाद फोर्ट वाज बिल्ट बाय मियां गुलाम शाह कलोड़ो इन 1772। जो कि हैदराबाद वारो किलो आहे वो मियां गुलाम शाह कलोड़े ठहिरायो हो 1772 में। ऐं ॿी हिते तव्हांखे एडिशनल इंफॉर्मेशन ॾियां, जेको भिछा शाह अब्दुल लतीफ़ भिछाई जी जेका मज़ार आहे उहा बि मियां गुलाम शाह कलोड़े ई ठहिराई हुई। जानकी मंदर कोट इज़ सिचुएटेड नियर ठट्टा। जानकी मंदर कोट जो आहे ठट्टे में आहे। उमर कोट इज़ नेम्ड आफ्टर द रूलर उमर सूमरो, लोकेटेड इन थर। उमर कोट तमामु मशहूरु ज़िलो आहे असांजे सिंध जो। ऐं उमर कोट जो क़दीमी शहर आहे, हिन जी पंहिंजी इंपॉर्टेंस आहे। उमर कोट जो उहो बादशाह उमर सूमरे जेको सूमरा डायनेस्टी जो पहिरियों बादशाह हुयो उन जो गादी ठहिरायो। नेक्स्ट हलूं था रतो कोट इज सिचुएटेड नियर बंभोर, अप्रोक्सीमेटली बिल्ट अराउंड 7th सेंचुरी। रतो कोट जो गादे बंभोर में आहे ऐं तक़रीबन 9th सेंचुरी सदी में जो गादी ठाहियो वियो हो। उन खां बाद में रनो कोट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग कलोड़ो डायनेस्टी, इट्स लोकेटेड नियर मीरपुर साकरो। ही मीरपुर साकरो में रनो कोट मौजूदु आहे। उन खां पोइ रनिंग कोट जेको पहिरियां में असां रनिंग कोट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन पाकिस्तान विथ इन एरिया ऑफ 32 किलोमीटर्स। रनिंग कोट जो आहे 32 किलोमीटर जो ठहियलु आहे एराज़ी ते। इट्स ओरिजन्स आर डिस्प्यूटेड, जेके हिन जी रनिंग कोट इज़ द सेकेंड सॉरी फॉर इंटरप्शन, रनिंग कोट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन पाकिस्तान विद द एरिया ऑफ 32 किलोमीटर्स। इट्स ओरिजन आर इज डिस्प्यूटेड, लोकेटेड नियर सन सिटी डिस्ट्रिक्ट जामशो। इट्स फर्स्ट लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया। रनिंग कोट जेको हिन में सिर्फ़ हिते एशिया फर्स्ट लार्जेस्ट फोर्ट आहे हिन एशिया में, बल्कि दुनिया में बि लार्जेस्ट फोर्ट आहे। पर न सॉरी जेको अॻु में मां ॻाल्हि कई दुनिया जी हिन में, त उहो मां ग़लति आहे। छाजे करे त हिन में दुनिया में त वॉल ऑफ चाइना जेको आहे, दीवार चैन चीन जेको आहे, त उहो लार्जेस्ट आहे। रनिंग कोट एशिया जे अंदरि एशिया में दीवार चीन उहो अलॻि जेको आहे त थी वई, ऐं फोर्ट जेको आहे उहो अलॻि डिफरेंस आहे। फर्स्ट लार्जेस्ट फोर्ट इन एशिया ऐं एज़ वेल एज़ जीअं मां पहिरियां ॻाल्हि कई त दुनिया में सभु खां लार्जेस्ट फोर्ट जेको आहे उहो रनिंग कोट फोर्ट आहे। 32 किलोमीटर इहो लॉन्ग आहे। ऐं हिन जी जेका मतिलबु असांजो इंसेप्शन जेका आहे हिन जी, त कॾहिं ई ठहियो उहा अॼु ॾींहुं ताईं डिस्प्यूटेड आहे। कोई डिस्कवर न करे सघियो आहे त कॾहिं ठहियो या कॾहिं जो आहे। नेक्स्ट असां हलूं पिया, रनिंग कोट हैज़ टू फोर्ट्स इन इट्स इन इट, नेमली मेरी कोट एंड शेरगढ़। रनिंग कोट जे अंदरि ई वरी ॿ ॿिया फोर्ट्स आहिनि, जेको मेरी कोट आहे ऐं ॿियो शेरगढ़ आहे। उन खां बाद हलंदासीं कोट डिजी वाज कोट डिजी फोर्ट जो कोट डिजी फोर्ट वॉज बिल्ट बाय मीर सोहराब खान तालपुर, स्टार्टेड इन 1803 एंड कंप्लीटेड इन 1830। इट इज़ लोकेटेड नियर खैरपुर मीरस। कोट डिजी जो शहर आहे खैरपुर जे भरिसां, ऐं कोट डिजी जो किलो जी ॻाल्हि करे रहियो आहे, त कोट डिजी जो उहो असांजो मीर सोहराब खान तालपुर ई ठहिरायो हो। 1830 में कंप्लीट थियो ऐं खैरपुर जे भरिसां खैरपुर डिस मीरस में आहे। उन खां बाद कोट डिजी फोर्ट जो इज़ आल्सो नोन एज़ ए फोर्ट अहमदाबाद। फोर्ट डिजी जो किलो जेको आहे उनखे असां किलो अहमदाबाद पिणु सॾींदा आहियूं। नेक्स्ट असां हलूं था फोर्ट ऑफ मनोड़ा। मनोड़ा आइलैंड वॉज बिल्ट बाय मीर करम खान तालपुर इन 1797। जेको मनोड़ा असां मनोड़ा कराची में आहे उहो मीर करम खान तालपुर जो ठहिरायो 1797 में। इट्स सिचुएटेड नियर मनोड़ा। हिते मनोड़ा जे भरिसां इहे मनोड़ा फोर्ट बि आहे, फोर्ट आहे। ओके, नेक्स्ट हलूं था पोर्ट कासिम अथॉरिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन June 29, 1973। पोर्ट कासिम अथॉरिटी जेका आहे उहा 29 June 1973 में जो ठाही वई हुई। बंभोर फोर्ट इज़ 54 किलोमीटर अवे फ्रॉम कराची। जेको बंभोर कोट आहे उहो 54 किलोमीटर परे आहे कराची खां। नेक्स्ट असां हलंदासीं देबल फोर्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म। जेको देबल फोर्ट उहो स्टॉर्म जे करे तबाह थी वियो। जखी पोर्ट वॉज सिचुएटेड नियर ठट्टा में आहे। शाह पोर्ट वॉज बिल्ट बाय मियां गुलाम शाह कलोड़ो, लोकेटेड इन ठट्टा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हलूं केटी बंदर इज ओरिजिनली नोन एज लेरी पोर्ट। ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन ऐं तमामु इम्पॉर्टेंट ऐं कम वारी शइ मां तव्हां सां शेयर करे रहियो आहियां। जेको केटी बंदर आहे, केटी बंदर जेको ओरिजिनली पहिरियां जेको पुराणो हुनजो नालो हुयो उहो लेरी पोर्ट हुयो। नेक्स्ट हलूं था कराची हार्बर वर्क्स वॉज एस्टेब्लिश्ड टू मेंटेन लेरी पोर्ट। लेरी पोर्ट मतिलबु
केटी बंदर. ओके, कराची हार्बर वर्क्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1880. कराची हार्बर वर्क्स वाज रीनेम्ड टू कराची पोर्ट ट्रस्ट इन 1886. सो आ जो को केटी बंदर आ जो पुराणो जो ओरिजिनल नालो हो छ लेडी पोर्ट हो और लेडी पोर्ट के मैनेज करण जिला इन कराची हार्बर जो बात इस वर्क्स जो है एस्टेब्लिश की यहां कराची हार्बर वर्क्स को एस्टेब्लिश किया इन्होंने 9 फरवरी इन में 1880 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया और 1886 में इन्होंने नालो चेंज कर कराची हार्बर वर्क्स का कराची पोर्ट ट्रस्ट जो का नालो दिनन. नेक्स्ट लो दसा अंथर कवर्स ओवर 21,000 स्क्वायर माइल्स. ब्रिटिश कैप्चर्ड नंगर पार्कर इन 1834. मोहनजोदड़ो वाज एक्सकैवेटेड बाय सर जॉन मार्शल इन 1923. और नेक्स्ट सवाल होता काहू जोदड़ो इज लोकेटेड इन मीरपुरखास डिस्ट्रिक्ट फाउंडेड बाय मीर जॉन सर जॉन जेकब. सर जॉन जेकब जो काहू जोदड़ो जो मीरपुरखास में आया वो सर जॉन जेकब जो डिस्कवर को फाइंड आउट किया हो. सर जॉन जेकब जिन नाले थे जेकमाबाद शहर जो का हाटेस सिटी ऑफ जेकब शहर है जेकब शहर जो पुराना नालो असन जो अखानगढ़ हुयो को सर जॉन जेकब जो करीब जेकमाबाद के जो नालो. चाहू जो दड़ो इज सिचुएटेड नियर नवाबशाह. जुखर जो दड़ो इज लोकेटेड इन लाटकाना डिस्ट्रिक्ट फाउंड इन 1921. नेक्स्ट सवाल तो आमरी जो दड़ो इज लोकेटेड अबाउट 28 किलोमीटर्स नियर सेवन शरीफ. सिंध प्रोड्यूसेस 54,755 बैरल ऑयल डेली. बेसिक शेयर कर रहे आया तो सिंध जो 54,755 बैरल ऑयल जो वो डेली प्रोड्यूस कर दिया है. सिंध प्रोड्यूसेस 75% ऑफ नेचुरल गैसेस. पाकिस्तान जो गैस यूज करना उन जो नेचुरल गैस 75% जो वो सिंध प्रोड्यूस कर दिया है. ही कुछ सिंध के बेसिन नाले से. नेक्स्ट वीडियोस में मां जी सिंध के हवाले से मुख्तलिफ़ किताबन जो आथर्स आहन वो पूछा गया वेंदा टेस्ट में वो डिस्कवर कदम बी एडिशनल शूं डिस्कवर कदम. ही असा गाइड है एक्सटेंस गाइड फॉर एस पी एस म्यूनसिपल ऑफिसर एंड टाउन ऑफिसर स्पेशली असन डिजाइन कई है. ही जो सो सिंधी मैं इतने वीडियो टाई हई जो सिंधी और जितने कुछ मैं इंफॉर्मेशन शेयर की तरह से ये सो पोर्शन जो है इन में जो बुक में इन गाइड में जो इनमें सिंध जनरल नॉलेज पोर्शन है उन में क्यों है हि बुक जो परचेज कर सको नंबर से राबो कर 0313-0322-45 कॉल कर या इन व्हाट्सएप कर बुक घर वेठे टीसीएस के जरिए पान वट घुरा सको. दिस इज जीके फोरम दाहू साफ नॉलेज एंड टेस्ट प्रिपेरेशन एंड इट्स मी मंसूर मंसवाग. काइंडली अस चैनल के सब्सक्राइब कियो एंड शेयर कियो बिन संगत एंड बेल आइकन के दबायो तो जी अस नेक्स्ट जेके भी वीडियोस अस अपलोड करना से तो वो तवा तई पहुंची वन नोटिफिकेशन के जरिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. चैनल के प्लेलिस्ट में वनो प्लेलिस्ट में जदा में तो सब्जेक्ट वाइज ता के टोटली सब्जेक्ट्स मिलंदा प्रिपेरेशन के हवाले से हर सब्जेक्ट में वनी करे मल्टीपल वीडियोस पयन असो उन वीडियोस बुधा वो वीडियोस के रिपीट करे करे बुधो नोट्स आईंदा वो पंजी स्टडी कंटिन्यू रखो. थैंक यू सो मच.